दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक और अच्छी सी वीडियो में। दोस्तों मेरी वीडियोस को लाइक करने के लिए धन्यवाद, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस ग्लो बॉक्स के बारे में। जब हम गाड़ी रोड पे लेके चलते हैं, रफ रोड पे जब गाड़ी चलती है हमारी, तो इस ग्लो बॉक्स के अंदर से बहुत ही इरीटेटिंग आवाज़ आती है। आज हम उसी आवाज़ को बंद करेंगे दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक देखेंगे तो ये आवाज़ 100% मैं बंद करके दूंगा, ठीक है। और इस ये जो टेप है ना, इसकी सहायता से हम इस आवाज़ को बंद करेंगे, ठीक है। 3M वाले के पास मिल जाएगी, या आप डबल टेप का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं इसको रिमूव करके दिखाता हूँ, ये रिमूव होता कैसे है, बाहर कैसे निकलता है, उसको रिफिक्स भी करूँगा। फिर इसके बाद टेप को लगाना कहाँ पर और लगा के आवाज़ को बंद कैसे करना है, कैसे होगी आवाज़ बंद, वो भी मैं इसमें दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो अभी देख लो, ऐसे ही देख लो इसको कैसे ये हिल रहा है डैशबोर्ड, ठीक है। तो इसी ये प्ले भी ख़त्म करूँगा और इसकी आवाज़ को भी बंद करूँगा दोस्तों, ठीक है। तो पहले इसको मैं रिमूव करके दिखाता हूँ ये होता कैसे है। दोस्तों सबसे पहले हमें इसको ऐसे खोल लेना है, खोलने के बाद इसको करेंगे डैशबोर्ड ग्लो बॉक्स कवर को बाहर। तो इसको बाहर करने के लिए दोस्तों हमें क्या करना है, सबसे पहले इसको बाहर निकालना है। हल्का सा नीचे करेंगे ना, ऐसे नीचे करके थोड़ा सा ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे करके ये बाहर आ गया। अब इसके बाद हमें इस लॉक को बाहर निकालना है, हल्का सा डैशबोर्ड से इसको ऐसे खींचेंगे। फिर उसके बाद हमें दोस्तों ये बाहर निकालना है, इसको भी ऐसे खींचेंगे। फिर इसके बाद ये ग्लो बॉक्स कवर बाहर आ जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये देखिए ग्लो बॉक्स के जो ये नक्के हैं ना यहाँ पर, ये जो नक्के हैं, कभी कभी क्या होता है इसके अंदर से ना निकल जाते हैं, ये जो लॉक्स हैं इनके अंदर से निकल जाते हैं और ये लॉक्स ऐसे बैठ जाते हैं इनमें जाके, ठीक है। तो ये जब इसमें से निकल जाते हैं तब ये ज़्यादा इरीटेटिंग आवाज़ करता है दोस्तों। ये देखिए मैं दिखा देता हूँ ज़रा एक बार, देख रहे हैं, ये इसीलिए आवाज़ करता है। अभी मैं इसको दोबारा रिफिक्स कैसे करते हैं और टेप कैसे लगाएंगे वो मैं दिखाने वाला हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ तो अब समझ गए, अब हमें टेप कहाँ लगानी है मैं इसको पहले फिक्स कर देता हूँ वापस, लगा के इसकी आवाज़ को बंद कैसे करूँगा वो भी दिखाता हूँ। इसको दोबारा रिफिक्स कैसे करते हैं ये भी दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इसको ना, ये वाला यहाँ, इसको वापस ऐसे इसमें फ़िक्स कर देना है। फिक्स करने के बाद वापस यहाँ पे लगा के एक एक चीज़, ये देखिए आवाज़ आनी चाहिए इस तरीके से। फिर इसके बाद इसको यहाँ पे लगाएंगे, इसमें भी आवाज़ आनी चाहिए और ये भी यहाँ पर लग गया, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने देखा ये प्ले ख़त्म हो गया इसका नीचे का, ठीक है। अब हम इसमें लगाएँगे टेप, और वो कहाँ लगाना है ये बड़े ध्यान से देखना दोस्तों आप, ठीक है। दोस्तों अब टेप लगाने के लिए ना हमें लगाना कहाँ है टेप, यहाँ पर इसके टेप लगाना है, ठीक है। ये देखिए यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि लॉक के पास लगेगा तो इसके अंदर जो लॉक के और इसके बीच में प्ले है, यहाँ पर जो प्ले आ जाता है वो कम हो जाएगा। तो हमने ये दो टेप्स ले लिए हैं, ठीक है। तो इनका पीछे से टेप निकाल देंगे ऐसे करके, ठीक है ना, दोनों का टेप हटा के इसको वहाँ पर चिपकाना है, ठीक है। ये देखिए बड़े ध्यान से देखना किस जगह में लगा रहा हूँ, यहाँ पर एक टेप लग गया, ठीक है, और दूसरा वाला टेप भी यहीं पर लगाएंगे दोस्तों। इसको भी निकाल देता हूँ ज़रा, ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये सब हो जाएगा। अभी आपके लिए मैं इतना अच्छा वो करके दे रहा हूँ ना यार, जो बोलेंगे तो जुगाड़ इसको, ठीक है। बट ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है इसकी गाड़ी के लिए, डैशबोर्ड के वास्ते लिए। तो देखिए ये लग गया इसमें, लगने के बाद अब इसको बंद करेंगे। ये देखिए अब इसके अंदर कोई भी प्ले नहीं है दोस्तों, मैं 100% गारंटी देता हूँ, इधर से भी प्ले नहीं है, यहाँ से भी प्ले नहीं है, ये आवाज़ बंद हो गई है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों यही था इस वीडियो में, अभी दिखा देता हूँ एक बार फिर से। टेप मैंने कहाँ लगाई है, यहाँ पर लगाई है लॉक के बिल्कुल जस्ट पास में, ठीक है। यहाँ देखिए, ठीक है ना, थोड़ा सा अलग हो गया बट कोई बात नहीं, दोनों टेप्स एक साथ हों, ठीक है, एक साथ ऊपर नीचे लगी हों। फिर उसके बाद ऐसे बंद कर दें, ये टेप जो है ये यहाँ पर आकर लगेगी दोस्तों, ठीक है ना, यहाँ पर इस जगह पे। जब हम इसको ऐसे बंद करेंगे ना तो टेप देखिए यहाँ पर आके लगेगी, जो बीच में गैप हो जाता है ना वो कम हो जाएगा और ये ग्लो बॉक्स की जो आवाज़ है वो बंद हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इस वीडियो में आज इतना ही, अगली वीडियो कोई और अच्छी सी लेके आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच दोस्तों।